तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता चमोली से के सोमवाल। के क्या कुछ कार्यक्रम आज बताए जा रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की चमोली दौरा है आज। जी देखिए, आज सीएम त्रिवेंद्र रावत दिन भर और रात्रि विश्राम भी चमोली में ही करेंगे, चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में करेंगे। आज बहुत सारे कार्यक्रम है उनके, दिन भर यहाँ पे कार्यक्रम है। ठीक 9:15 पर वो हेलीकॉप्टर से गोपेश्वर स्टेडियम उतरेंगे और उसके बाद सीधे जो है पुलिस मैदान गोपेश्वर जाएंगे। वहां पे जो पुलिस का एक कार्यक्रम है, निर्भीक यूनिट का एक चमोली पुलिस द्वारा एक नई पहल की गई है, उसका गठन किया गया, उसको उसका एक तरह से कहें उसकी शुरुआत करेंगे आज सीएम त्रिवेंद्र रावत की मौजूदगी में। चमोली पुलिस का की जो है ये जो यूनिट, निर्भीक यूनिट शुरू की गई है, उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद वो वही पुलिस लाइन गोपेश्वर में ही 10:30 से लेके और उसके बाद दिन के 1:30 तक वो जो है जनता दरबार का कार्यक्रम लगाएंगे। जो इस चमोली जनपद के लोग हैं आज वो सीधे सीएम से रूबरू हो पाएंगे, अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रख पाएंगे। उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है, जो चमोली जिले के कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता, उनसे भी वो सीएम त्रिवेंद्र रावत मिलेंगे। इसके अलावा शाम को 8:30 वो 8:00 वो डीएम एसपी के साथ बैठक करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो आज दिन भर का कार्यक्रम सीएम रावत का यहाँ पे है और रात्रि विश्राम भी आज वो यही गोपेश्वर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे, डीएम और एसपी से मुलाकात करेंगे, तो किस तरीके से इस मीटिंग को लिया जाए, क्या जो काम है उनका लेखा जोखा लेंगे आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत? बिल्कुल, चूंकि ये सीएम त्रिवेंद्र रावत का चमोली सरकार बनने के बाद चमोली का पहला दौरा, हालांकि एक बार वो पहले भी आए थे, बद्रीनाथ आए थे, लेकिन बहुत सूक्ष्म कार्यक्रम था वो, उसमें जनता से वो नहीं मिल पाए थे और किसी तरह का कोई कार्यक्रम था, रेलवे शिलान्यास के कार्यक्रम के तहत वो आए थे और उसके बाद रेलवे मिनिस्टर के साथ ही वापस निकल गए थे। तो एक तरह से देखा जाए तो एक ये आज माना जाए तो पहला दौरा है और जो सरकार की जो आज तक का जो अभी तक का कार्यकाल है उसका फीडबैक कार्यकर्ताओं से भी लेंगे, जनता से भी लेंगे और अधिकारियों को भी जो उनकी अपने कार्य है उसके उसका जो है लेखा जोखा मांगेंगे कि क्या किस तरह से सरकार के कार्यक्रम जनता तक पहुंच पा रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही है। यदि कोई विकास कार्यों को लेकर के किसी की शिकायत है तो वो भी आज जनता दरबार में सीएम सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आज चमोली के लोगों के पास पूरा अवसर होगा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने अपनी समस्याओं को रखने का। क्या कुछ लोगों में उत्साह दिख रहा है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके यहाँ आ रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पर चाक चौबंद किए गए हैं सुरक्षा के? तो बहुत बहुत शुक्रिया के तमाम जानकारी के लिए।